नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टुटवल वेबसाइट .com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मिनी स्टैक की सीरीज और मिनी प्रोजेक्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया था होम पेज की राउटिंग में और नेविगेशन के बारे में। आई होप आपने वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो जो पार्ट नंबर 5 है उसे देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमने क्या किया था, होम पेज के अंदर हमारा ब्लॉग था, लेटेस्ट आर्टिकल का ऑप्शन थे। जब हम होम पेज के अलावा किसी और पेज पर सपोज अबाउट पर जा रहे हैं तो आर्टिकल्स जो था लेटेस्ट वो रिमूव हो जा रहा है, बैनर मतलब वो नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ होम पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी पेजेस पे वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू पे भी हमने नेविगेशन करके देखा था। आई होप आप सबको क्लियर होगा और आप लोगों ने करके भी देखा होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की लिस्ट पे, इनर पेजेस पे हम काम करेंगे, यानी कि आर्टिकल्स लिस्ट का जो पेज होगा उसे डिजाइन करेंगे। और सिंगल आर्टिकल मतलब ये यहाँ पे तो होगा कि पूरा डिटेल्स दिखेगा आर्टिकल लिस्ट में, मतलब 10-15 हम बाय डिफॉल्ट दिखा दें, पर्टिकुलर किसी एक आर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा दिखना चाहिए। तो दो पेज हमारे पास यहाँ पे डिजाइन होंगे, एक होगा आर्टिकल्स जिस पे कि लिस्टिंग होगी पूरी की पूरी, दूसरा होगा हर आर्टिकल का अपना एक सिंगल पेज होगा, ठीक है। तो उस दोनों पेज को हम इनर पेज को आज डिजाइन करके देखेंगे। तो आप लोगों ने जैसे जैसे कोड प्रीवियस में देखा होगा, सारा वेबसाइट के ऊपर जैसे था, ऊपर के जितने भी कोड थे यहाँ पर लिस्टेड है प्रोजेक्ट के अंदर मेन स्लैश एंगुलर मिनी प्रोजेक्ट में, सेम आगे नीचे भी यहाँ पर मैंने कोड ऐड कर दिया। इस पर हम काम करेंगे वन बाय वन और आपको दिखाऊंगा डिजाइन कैसे डिजाइन करेंगे और क्या लेआउट जनरेट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा कोड फाइल है, अब मैं इनको क्लोज करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोड है और प्रीवियस वीडियो में हमने हेडर तक काम कर लिया था, नेविगेशन कर लिया था। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर्टिकल लिस्टिंग एंड इनर पेज डिजाइन का। तो आर्टिकल लिस्टिंग पेज के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आर्टिकल लिस्ट वर्ड। तो आर्टिकल लिस्ट वर्क्स कहाँ से आ रहा है, तो जब हम कोड पे जाएंगे यहाँ पे एडिटर पे आ गए और यहाँ पे जाएंगे आप ऊपर तो देखिए सबका फोल्डर है अपना यहाँ पर दिख रहा होगा। और आज आपको थोड़ा सा आइकन अलग दिख रहा होगा बाकी टाइम की अपेक्षा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, मतलब तो इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये लेआउट चेंज हुआ है, आइकन्स वगैरह दिख रहे होंगे पेज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, अगर मैं इन सबको एक बार के लिए अभी क्लोज करता हूँ, वन बाय वन सेपरेट खोलेंगे तो आपको फिर से आइडिया निकलेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए अब हमें करना है आर्टिकल लिस्ट का, तो आर्टिकल्स के लिए हमारा आर्टिकल का फोल्डर है, इसके अंदर हमारा लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये HTML फाइल का पेज है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर है आर्टिकल लिस्ट वर्क्स, क्लियर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब इस पेज को डिजाइन करना है तो हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे और ये जो कोड है यहाँ पे देखो फाइल का पाथ भी दिया हुआ है, उसके अंदर सिंपल ये जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे तक आएंगे और यहाँ तक सेक्शन से सेक्शन तक कॉपी किया हमने और यहाँ पर जाकर हम सिंपली इसको रिमूव करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात दो चीज़ें हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ इसको ताकि क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, सेक्शन ठीक है, ब्लॉग लिस्ट यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आर्टिकल्स के लेआउट है, इमेजेज हैं, कंटेंट है, लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने पेज को दो भागों में बांटा हुआ है, एक को सेक्शन 8 में डिवाइड किया है और दूसरा पार्ट जो होगा सेक्शन 4 में, यानी कि ये जो पेज होता है हम वेबसाइट की पेज की बात करें तो एक सेक्शन हुआ जिसमें कि ये है और दूसरा सेक्शन है कि साइड बार, ठीक है। तो सेम चीज़ हम मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर किया है कि एक को मैंने यानी कि जो फोर्थ वाला है मतलब फोर्थ पार्ट में जो डिवाइड किया है 1/4 पार्ट्स जो है वो साइड बार का है और बाकी जो आर्टिकल्स का, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और पेज पे चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए लेआउट यहाँ पे दिखना चाहिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो पेज में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। पेज यहाँ पे देखिए लेआउट दिख रहा है, आर्टिकल लिस्ट यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं सारे के सारे आर्टिकल का, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फीचर आर्टिकल वर्क्स एक दिख रहा है और कैटेगरी वर्क्स, क्योंकि ये साइड बार में डाला हुआ है। अगर आप जाएंगे नीचे तो ये देखिए साइड बार में हमने ये डाला हुआ है, यहाँ पे देखो सिलेक्टर फीचर आर्टिकल्स का सिलेक्टर है और कैटेगरी का सिलेक्टर है। ये कह क्यों है, अगर यहाँ पे जाते हैं तो आर्टिकल लिस्ट को अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमने देखिए लिस्ट के अंदर हमने क्या किया था, कैटेगरी भी बनेगी हर लिस्ट की, मतलब जितने भी आर्टिकल्स होंगे उसकी अपनी कैटेगरी होगी। लेटेस्ट आर्टिकल तो हमने होम पेज पर शो करा दिया था, उसके बाद बचता है फीचर आर्टिकल, तो हम फीचर आर्टिकल को डिस्प्ले कहाँ कराना चाहते हैं, यहाँ पर साइड बार में, ठीक है, कैटेगरी आर्टिकल्स को भी साइड बार में, ताकि यहाँ भी लिस्टिंग के साथ यहाँ के साइड बार भी दिखे। जैसे कि मेरी वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर्टिकल रीड आउट कर रहे हैं आप और साइड बार में इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर एड शो करना है किसी को, ऐड लगाना है तो ऐड लगा सकता है साइड बार में,
और कंटेंट्स वो कराना है तो वो करा सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे साइड बार भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्टर कहाँ से है, अगर आप जाएंगे कैटेगरी के अंदर और इसका जो TS फाइल होता है वहाँ पे जाते हैं और इसका जो सिलेक्टर यहाँ पे होता है वही सिलेक्टर को हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारा बन गया, आधा काम हो चुका है किसकी, लिस्टिंग की। तो आर्टिकल लिस्ट यहाँ पे आ गया, लिस्ट आ गया। अब हम बात करते हैं फीचर आर्टिकल्स वर्क्स, यानी कि फीचर आर्टिकल्स के डिजाइन को। तो आते हैं पेज पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आई थिंक हमने कहाँ तक काम किया था, ये ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है यहाँ पे। अब सेकंड है फीचर आर्टिकल राइट विजिट डिजाइन, यानी कि ये जो विजिट है राइट का, राइट साइड का, इस विजिट को अब डिजाइन करते हैं। तो इसका भी कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है नीचे तक जहाँ तक इसका कोड है। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं यहाँ तक, फिर कॉपी करेंगे, उसके बाद चलेंगे कोड पे और जो आर्टिकल्स का है फीचर का, यानी कि कैटेगरी का नहीं, यहाँ पे जो फीचर आर्टिकल्स है इसको ओपन करेंगे और इसका जो HTML फाइल है इसको, और यहाँ से इसको रिमूव करके इस कोड को पेस्ट करके सेव कर देंगे। सिंपल सेव करते हैं, कंपाइल होगा और पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा। ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है और ये देखिए फीचर पोस्ट का यहाँ पे लेआउट आ गया। इसमें भी क्या है, इमेज है, टाइटल है, यहाँ पे बाई है, किस डेट में पब्लिश हुआ है उसका यहाँ पे डेट टाइम है, क्लियर। तो ये हमारा फीचर का भी आ गया। उसके बाद अभी बचता है कैटेगरी वर्क्स का, ठीक है। तो कैटेगरी के लिए भी हम जाएंगे इस कोड पे और यहाँ पे नीचे आर्टिकल कैटेगरी लिस्ट विजिट डिजाइन, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से भी ये जो कोड है इसको कॉपी करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे एडिटर में और इसका जो कैटेगरी वाला पार्ट है यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसका HTML फाइल पे जाएंगे और सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे, क्लियर। सेव करेंगे, अब पेज पे जाएंगे, जैसे ही कंपाइल हो जाएगा फिर से ये लोड होगा और यहाँ पे जितनी कैटेगरी हमने लिस्ट की है वो सारी कैटेगरी यहाँ पे दिखने लगेगी। ये देखिए एंगुलर, पाइथन, MVC फ्रेमवर्क, SQL, MySQL, जितने भी मतलब कैटेगरी आप ऐड करेंगे वो सारा यहाँ पे दिखेगा। तो ये कंप्लीट हमारा एक आर्टिकल लिस्ट का पेज तैयार हो चुका है। अब जो नीचे होता है कि यहाँ पेजिनेशन होता है वो भी हम आगे करके देखेंगे कि अगर ज़्यादा आर्टिकल्स हैं तो उसके लिए पेजिनेशन तैयार हो जाए। पेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो स्लाइश करके इसका पेजिनेशन भी बने उसके लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अभी के लिए अभी ही हम काम कर लेते हैं। पेजिनेशन के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मान लो यहाँ पे स्लैश पेज स्लैश वन, इस तरीके से हम पेजिनेशन बनाएंगे, ठीक है, जब होगा तब। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल को हम चेंज करके जो हमने अभी आर्टिकल किया है इसको आर्टिकल्स कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर राउटर में जाते हैं, जो हमने इसका राउटिंग फाइल बनाया था, राउटिंग फाइल है आर्टिकल्स का, राउटिंग ये मॉड्यूल, इसके अंदर मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर ये रहा राउटिंग, ठीक है, तो ये राउटिंग, इसके अंदर ही आर्टिकल को हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स कर देते हैं सेव। और नेविगेशन जो है ना, नेविगेशन में जाते हैं और हेडर के अंदर हेडर HTML और HTML के अंदर नेविगेशन में भी हम चेंज कर देते हैं, आर्टिकल्स कर देते हैं आर्टिकल की जगह, क्लियर। अब पेज पे जाएंगे तो ये पेज नॉट फाउंड आने लगेगा, पेज नॉट फाउंड आ रहा है लेकिन अब रिफ्रेश होगा अबाउट आर्टिकल्स तो ये वर्क करने लगा, ठीक है। अब आर्टिकल पे नहीं करेगा, आर्टिकल्स पे काम करेगा, ओके। तो ये हमने थोड़ा सा चेंजेस किया, इसको मैं अपडेट कर दूंगा कोड के ऊपर भी, आर्टिकल्स कर दूंगा जहाँ जहाँ आर्टिकल है ऊपर में, ठीक है, तो वहाँ से आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की ओर, ये देखिए ये नाम आपके ऊपर है, ये मैंने आर्टिकल्स दिया तो ऐसा नहीं कि आर्टिकल्स ही देना है, वो आपके ऊपर है, मैंने दिया है क्योंकि मुझे सही लगा आर्टिकल्स, आप कुछ और भी दे सकते हो जो आप चाहते हो, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा आर्टिकल पेज कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे लेफ्ट में हमने आर्टिकल्स की लिस्ट दिखा दी, राइट में हमने विजिट दिखा दी अपने, जो आप चाहते हो वो दिखा सकते हो, पर्टिकुलर आपके ऊपर है, ये मैंने दिखाना था मैंने इतना ही दिखाया। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सिंगल पोस्ट की। तो ये हमारा एक पोस्ट है जिसके अंदर यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है और रीड मोर पे हमने किया क्या है, फॉर एग्जांपल कि अभी हमने स्टैटिक इसकी ID 1 सपोज करके दे दिया, ठीक है। तो रीड मोर पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के आगे स्लैश वन, वन क्या है, हमारी पोस्ट की ID है। तो जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट, जब भी हम आर्टिकल ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एक यूनिक ID देनी होती है ताकि जिसके भी यहाँ पे हम डाटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ID पास किया है, तो आर्टिकल के अंदर ID 1, अगर सिर्फ आप आर्टिकल लिखेंगे तो पेज नॉट फाउंड आएगा, आ गया। स्लैश वन कर रहे हैं तो सिंगल आर्टिकल का जो टेम्पलेट है या कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड हो रहा है, उसके अंदर अभी क्या है, आर्टिकल डिटेल्स वर्क, ठीक है।
तो अगर हम आते हैं और इसके अंदर जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल डिटेल के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पी टैग के अंदर अभी ये डाटा है जिसकी वजह से ये डाटा शो हो रहा है, क्लियर। अब इसको डिजाइन करना है तो पेज पे जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सीएसएस पार्ट का, यानी कि जो हमने आर्टिकल्स बनाया है इसका डिज़ाइन के लिए जो कुछ सीएसएस मैंने ऐड किए हैं वो सीएसएस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस सीएसएस को आपको कॉपी करना है और इस कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है हमारा कहाँ पे, अगर आप जाते हैं कोड के अंदर और ऐप से बाहर जो हमारे स्टाइल्स डॉट सीएसएस फाइल है इसके अंदर आपको पेस्ट करना है नीचे में, ठीक है। मेरा पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को करना पड़ेगा तभी आपको लेआउट प्रॉपर आएगा, अदरवाइज आपको लेआउट में प्रॉब्लम दिखेगा, क्लियर। तो सीएसएस आप कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल डिटेल्स पेज की, उसके बाद जो पॉइंट है तो इसमें आपको कोड दिख जाएगा, तो सिंपल इस कोड को कॉपी करना है डिटेल्स के लिए। कॉपी करने के बाद हम आएंगे और जो हमारा आर्टिकल्स डिटेल का अभी जो मैंने ओपन किया था ऐप्स के अंदर आर्टिकल, आर्टिकल डिटेल्स, और यहाँ से इसको रिमूव करके सिंपल पेस्ट करेंगे। तो आप देखिए इसको भी मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो फोर, यहाँ पे देख लो कॉलम MD 8, मतलब 8 और 4 के रेशियो में हमने डिवाइड किया है पेज को। तो 8 में हमारा इन्फॉर्मेशन वाला पेज होगा और 4 में हमारा जो साइड बार है जिसमें फीचर आर्टिकल्स होगा, कैटेगरी होगा, ठीक है। तो सेम पेस्ट करेंगे, पेज पे जाएंगे यहाँ पे और किसी एक पेज को ओपन करते हैं। तो अभी के लिए देखिए, अभी के लिए स्टैटिक कंटेंट है, तो जो कंटेंट स्टैटिक में है सिंगल टेम्पलेट में वही दिखेगा। तो फर्स्ट वाला आर्टिकल का ही कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये देखिए इधर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको साइड बार दिख रहा है। अब इसके नीचे आप चाहे तो कमेंट का एक फॉर्म बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कमेंट फॉर्म बना सकते हैं, नीचे रिलेटेड आर्टिकल्स भी दिखा सकते हैं, वो हम आगे अगर टाइम रहा तो हम करेंगे, ठीक है। पहले हम इस एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको डायनेमिक करके देख लेते हैं, जब ये सब कम्प्लीट हो जाएगा देन हम रिलेटेड आर्टिकल्स को भी हम डिस्प्ले करा के दिखा देंगे। अब यहाँ पे किसी और आर्टिकल्स पे क्लिक करोगे तो भी यही लेआउट आएगा, रीज़न ये है आईडी तो चेंज हो जाएगी ऊपर में लेकिन लेआउट यही है क्योंकि ये स्टैटिक अभी टेम्पलेट है। जब हम डायनेमिक करेंगे तो जो आप क्लिक करो जिस आर्टिकल पे उसका ही डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बाकी जो अभी स्टैटिक डाटा है उस तरीके से नहीं आएगा। तो अभी के लिए हमने क्या है टेम्पलेट के अंदर स्टैटिक रखा हुआ है, ये देख रहे इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये डाटा स्टैटिक दिख रहा है। तो पेज हमारा क्लियर है, आज पेज हमने बना दिया किसका, आर्टिकल्स लिस्ट का हमने पेज डिज़ाइन किया, ठीक है। लेफ्ट साइड बार डिज़ाइन किया, कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन दिया हमने, फिर सिंगल पेज का पेज डिज़ाइन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्टस का पेज आप डिज़ाइन करेंगे, अबाउटस का, अबाउटस का तो कुछ नहीं है, अगर अभी कहो तो मैं अभी डिज़ाइन कर देता हूँ। सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम क्या करते हैं इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं अबाउटस का, चलो डिज़ाइन कर ही देते हैं और इसको हम बाद में अपडेट कर दूंगा कोड को, यहाँ पे मैं अभी मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। पेज पे गए और अबाउट का जो हमारा है, अबाउट कहाँ गया हमारा, नीचे आते हैं हम और स्टैटिक पेजेस के अंदर हमारा अबाउटस का, अबाउटस के अंदर HTML फाइल, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, पेस्ट करते हैं और ये जो चार वाला है मतलब सेक्शन डिवाइड जो किया था 4 को उसको यहाँ से रिमूव करते हैं और 8 को हम कर देते हैं 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइटल है इसको कर देते हैं अबाउटस और इसको हटा देते हैं यहाँ से पोस्टेड ऑन को, ठीक है। इमेजेस कुछ रखना है तो इमेज रख सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए ही इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। तो अबाउट अस पेज का भी पेज डिजाइन हो गया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अबाउट अस, अबाउट अस के अंदर इन्फॉर्मेशन मतलब कोई बैनर दिखा देंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो ये अबाउट अस पेज डिजाइन हो गया। उसी तरीके कॉन्टेक्ट अस पेज भी डिजाइन हो जाएगा, एक फॉर्म दिखाना है तो कॉन्टेक्ट अस के लिए भी हम क्या करते हैं सिंपल पेज पर जाते हैं और यहाँ जो कॉन्टेक्ट अस का है यहाँ पर इस तरीके से HTML सेम कोड यहाँ पे पहले पेस्ट कर देते हैं A to Z और जो चीज़ें नहीं रखनी उसको हटा देते हैं। सपोज़ यहाँ से मुझे बैनर भी नहीं रखना है फॉर एग्जांपल के लिए, पहले यहाँ टाइटल चेंज कर देते हैं कॉन्टेक्टस, मान लो बैनर नहीं रखना है, रखना होगा तो आप रख सकते हो, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। पेज पे गए, रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश होते हैं, ये देखिए आ गया, बट यहाँ पे डाटा नहीं है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म के लिए हम बूटस्ट्रैप फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, बाद में डायनेमिक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्ट फॉर्म कर देते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म का कोड मिल जाएगा, देखें
तो एक बेसिक फॉर्म का कोड मिल जाएगा, तो हम उस कोड को उठा के वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो लेआउट ये जो फॉर्म है, सपोज़ यही हम मान लो करना चाहते हैं, तो ये HTML कोड है इसका, इसका मैं HTML कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे गए और सिंपली इसमें पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो वो लेआउट जो लेआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये लेआउट आपको वहाँ पे भी दिखेगा। ये देखिए लेआउट दिखने लगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है और यहाँ पे नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको रख सकते हैं अगर हमें रखना है तो, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, ऊपर में जो कॉन्टेक्टस है यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये वाला हमें नहीं चाहिए। क्लियर। नीचे आते हैं, मान लो इसको मैंने कर दिया info@tutorials.com, इन्फो में नंबर मैंने कर दिया 91। ठीक है, ये नंबर हो गया। यहाँ पे मैंने कर दिया मान लो दिल्ली कॉमा इंडिया 1309, इस तरीके से जिप कोड हो गया। ठीक है, सेव करेंगे, अब पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करें, कॉन्टेक्टस भी हमारा पेज डिजाइन हो गया। ठीक है, ये अब डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप और इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं, तो आप अपने डिजाइन, अगर आपके पास डिजाइन स्किल्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अभी के लिए आप सारे पेज हमारे हो गए, आर्टिकल्स का हो गया, अबाउट अस का हो गया, आर्टिकल्स के अंदर सिंगल पेज हो गया, ये सारे पेज हमारे कोड बन चुके हैं और डिजाइन हो चुके हैं। जो अबाउट का कोड है वो सिंपल है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मुझे डालने की ज़रूरत है, बट मैं डाल दूंगा, इस कोड को भी मैं ऐड कर ही दूंगा, कॉन्टैक्टर्स के भी कोड को मैं ऐड कर दूंगा जो अभी का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।